इधर छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए लेकिन घर तोड़ना उचित नहीं। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सुशील आनंद शुक्ला ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। चुनाव के लिए बनाई गई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 26 जनवरी को 11:30 बजे राजीव भवन में होगी। स्क्रीनिंग कमेटी लोकसभावार अलग अलग नेताओं से चर्चा करेगी, इसमें वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की जो हमारी चेयरमैन हैं रजनी पाटिल जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, कृष्णा अल्लू अरू जी और प्रगट सिंह जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण जो इसमें सदस्य हैं वो शामिल हैं।